बीते 28 जनवरी को बिग बॉस 17 का फिनाले हुआ था, जहां मुनव्वर फारूकी के रूप में सभी को शो का विनर मिला। 3 महीने से ज्यादा चलने वाले शो को सलमान खान ने होस्ट किया था। इसी बीच अब बिग बॉस OTT सीजन 3 को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इतना ही नहीं, शो के साथ साथ शो में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट के नाम भी सामने आने लगे हैं। बिग बॉस के मेकर अपने दर्शकों को टीवी के बाद अब OTT 3 पर बिजी रखना चाहते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिग बॉस OTT 3 के लिए अंकिता लोखंडे के पति विकी जैन का नाम सामने आया है। एक रिपोर्ट की माने तो बिग बॉस 17 के फिनाले के दौरान ही उन्होंने OTT सीजन 3 के लिए अप्रोच कर दिया था। माना जा रहा है इस बार विकी बिना अपनी पत्नी अंकिता के शो में हिस्सा लेंगे। कई यूजर्स का ये कहना था विक्की का गेम अच्छा था, लेकिन अगर वह अकेले आते तो ज्यादा अच्छा होता। वहीं इस बार बिग बॉस OTT 3 के लिए टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति को भी अप्रोच किया गया है। इसके अलावा तुनिसा शर्मा सुसाइड मामले में फंसे सीजान खान को भी मेकर्स ने अप्रोच किया है। सीजान खान एक विवादित नाम है, हालांकि वह इससे पहले खतरों के खिलाड़ी के आखिरी सीजन में नजर आए थे। इसके अलावा OTT के सीजन में यूट्यूबर नजर आने वाले हैं। खबरों की माने तो बिग बॉस OTT के लिए नए सीजन के लिए यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल का नाम भी लिया गया है। मेकर्स अब लगातार उनसे बातचीत करने में जुटे हैं, लेकिन अब देखना होगा क्या OTT 3 सीजन में हर्ष बेनीवाल बिग बॉस का हिस्सा बनेंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।